मॉर्निंग के 6 बज रहे थे और हमने तो अपने दिन की शुरुआत प्यारी सी चाय से की थी। और प्यारी सी चाय पीने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और भाईंदर क्रॉस करते ही यार इतना मस्त व्यू, इतना मस्त नज़ारा, हम नज़ारे का मज़ा ही ले रहे थे कि तब तक हमारी मुलाकात हुई इन राइडर्स से, जो कि सनसनाते हुए लेके गए। तो हमने बोला कि यार अपनी हायाभूसा को भी भगाया जाए और इनसे मिला जाए। तो हमने भी भगाया अपनी हायाभूसा को और भगाते हमारी मुलाकात हो गई इन राइडर्स से। इनसे थोड़ा हाय हेलो किया हमने रोड पे ही चलते चलते। इनसे हाय हेलो करते ही हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है साकोर विलेज। और साकोर विलेज में एंट्री करते ही हमारा वेलकम किया था गैया माता ने, और ये देख के लग रहा था बोल रही थी चला जा, फिर हम निकल गए। और अंदर आते ही हमने ट्रैक्टर वाले भाई साहब से कंफर्मेशन लिया कि ये पर्टिकुलर ये फोर्ट यहीं पे है कि नहीं। इसका नाम है टकमक फोर्ट, जो आज हम जाने वाले हैं, जो लोकेटेड है विरार में ही। तो चलो, उन्होंने बोला हाँ चलो यहीं पे है। तो आते ही ये पड़ेगा आपको ये ब्रिज को क्रॉस करते ही पड़ेगा ये दो रास्ता, जिसमें हमको लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट वाला नहीं जाना है, हमको जाना है स्ट्रेट, हमको सीधा रास्ता जाना है। एंड अंदर आते ही भी पड़ता है स्कूल। स्कूल आप एज अ लैंडमार्क याद रख सकते हो, जैसे आप भूलो नहीं, लेफ्ट साइड में स्कूल पड़ता है। ऑफिस के सामने ही एक गाँव है, वहाँ हमको अपनी बाइक पार्क करनी है। तो अंदर आते ऐसा खूबसूरत सा रास्ता मिलेगा, वहाँ से स्कूल है, स्कूल से रास्ता ये आता है ऐसा और ऐसा जाता है। तो आपको ये वाला रास्ता लेना है, यहाँ से भी एक रास्ता है और एक रास्ता वहाँ से, आपको ये वाला रास्ते से लेके चलना है। देखो यहाँ से ऐसा कुछ आएगा रास्ता। ऐसा कुछ रास्ता आएगा, वो वाटर टैंक आएगा कुछ पीछे। देखो कितना खूबसूरत सा व्यू हो रही है भाई साहब, क्या बादल दिख रहा है। तो ऐसा कुछ रास्ता आएगा, ये पकड़ के आपको ऐसा इंड तक आना है, और इंड पे आने के बाद ये रास्ता पकड़ के चलना है। तो हमने स्टार्ट कर दिया है चलना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती, को बाहर ही पार्क करना पड़ेगा गाड़ी। ऐसा रास्ता आएगा, वो पीछे का वो भी खाता हूँ कैसा गांव है, तो सामने कितना ब्यूटीफुल सा वो रहा टकमक फोर्ट है सामने। अभी वहाँ पे पूरा बादल ही बादल छाया हुआ है, इसलिए दिख भी नहीं रहा है भाई, गाय लोग से बच के इसका तो सिंह भी टेढ़ा मेढ़ा है ये। वैसा कुछ लोकेशन दिख गया, आपको चलना है यहाँ से ये रास्ता आएगा। एंड देन यहाँ से दो रास्ता है, एक वहाँ से है एक यहाँ से है, आपने यहाँ से जाने का है। आई थिंक दोनों मिलता है एक ही जगह पे है भैया, दोनों मिलता है एक ही जगह पे है, नूब लोग हैं लोग। तो यहाँ से रास्ता आपको पकड़ के आने का है सीधा, देखो सीधा से रास्ता दिखा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हो गई मॉर्निंग की प्यारी सी खूबसूरत सी शुरुआत राइडर लोग के साथ में। तो आज हम आए हैं एकदम नियरेस्ट लोकेशन, मतलब हमने कहा कि चलो बारिश स्टार्ट ही हो गई है तो ट्रैकिंग पे चलते हैं, आज सैटरडे तो ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, मतलब आ गए ट्रैकिंग के लिए बेस लोकेशन पे, जिसका नाम है साकोर विलेज, जो कि लोकेटेड है विरार ईस्ट में। तो इतना पास हमने लेके आया, इसका नाम है टकमक फोर्ट, जो कि थोड़ा ऑफ बीट ट्रैक है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, जैसे आपने देख ही ले रहेगा सिनेमेटिक पे। तो यहाँ पे आने के लिए आपको विरार स्टेशन से आना है, विरार फाटा एसटी बस मिल जाएगी वहाँ से विरार फाटा के लिए। विरार फाटा उतर के आपको वहाँ से टमटम टैक्सी पकड़ के आना है साकोर विलेज से। आपको बाहर छोड़ देंगे, वहाँ से आपको 5 मिनट चल के आना है बेस से आपको 2-2.5 घंटा ट्रैकिंग है भाई। तो यहाँ पे आने का मैक्सिमम प्राइस चार्ज लगने वाला जो आपका वो है 100 रुपीज़। तो बस इतने खूबसूरत के लिए इतना तो कर ही सकते हो आप, 2-2.5 घंटा तो चलना है आपको बनता ही है। चलते हैं, जिसका नाम है टकमक फोर्ट।
ये कोई नहीं, मैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही दोगे। चलते स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। यहाँ पे आने के लिए, अब आने के बाद आपको यहाँ पे गांव वालों की हेल्प लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज मैंने वीडियो में ऐसे बता दिखा दिया अच्छे से, लेकिन तो भी आप अगर नहीं भूल जा रहे हो तो आपको गाँव वाले से पूछना पड़ेगा कि टकमक फोर्ट कहाँ पे है, वहाँ का वो लोग रास्ता बता देंगे और गाँव वाले काफ़ी हेल्पफुल है। तो मेरा आज मेरे साथ है अंकित भाई, जो भी पीछे पीछे आ रहा है मेरे। हम चलते आ रहे, कोई दिख भी नहीं रहा है, ये हीरो से आपको वहाँ से ऐसा आना है, ऐसा ऐसा हंदेन ऐसा रास्ता दिखेगा जो कि बंद है, बंद नहीं है यार, यहाँ पे खुला हुआ है। फिर यहाँ से ऐसा घूम के वहाँ सबको ऐसे जाना है। चलते हैं यहाँ से अंदर। तो अपने को मिल गया एक भाई, जो कि वो भी वही जा रहे, टकमक फोर्ट जा रहे, यहाँ के लोकल है वो भी। क्या नाम भाव तुझा, काय काय नाम है? सागर। सागर साबद। हाँ। साबद की सागर काय संगल तुम्हें? सागर। तो अपने भाई अच्छा है, अपने को गांव के लोकल मिल गए, अब इनके साथ अपन आराम से जा सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा ये लोकेशन, जो कि बारिश के टाइम शायद भरा रहता रहेगा पानी, तो ऐसा ऊपर से जा सकते हो। अभी तो पानी नहीं है फिलहाल, तो हम नीचे से जा रहे हैं, तो बारिश का ऐसा ऊपर ऊपर से आता रहेगा। हीरो फिर यहाँ से ऐसा जाने का है कि आपको ये ऐसा दिखेगा। एक रास्ता यहाँ से भी है, पता नहीं कहाँ से आता ही है। पत्थर तो लोकेशन याद रखना है, ऐसा पत्थर आएगा तो अपने को ये वाला रास्ता लेने का है, जो कि सीधा फोर्ट की तरफ जाता है। सो काफ़ी अच्छी नसीब है कि यहाँ के लोकल मिल गए, आराम से अपन पहुँच जाएंगे कुछ भी बिना दिक्कत के होगी, और आपको भी दिखा देंगे। तो आप भी कभी आओगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा भाई एक लोकेशन बताएगा कैसे कैसे आना है। फॉलो कर सकते हो जो पानी का, जो पानी ट्रेल है, पानी वाला ट्रेल है, मतलब जो यहाँ से पानी बहता है और फ्लो होता है, वही वाला रास्ता भी अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से। अब से कि थोड़ा और बारिश होगी तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। ये ऐसा आएगा, यहाँ से क्रॉस होना है, वहाँ पे जाना है। आपको ऐसा दो रास्ता आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक सीधा, तो आपको सीधा वाले लेना भाई, टेढ़ा राइट लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाना है, सीधे से फॉलो करते चलो। क्या एक ये वाला और एक ये वाला, तो आपको सीधा सीधा यही फॉलो करके चलना है। गांव छोड़ के, गांव था आगे दिख रहा था, यहाँ से प्रॉपर जंगल है पूरा, लेकिन आपको ऐसा ट्रेल दिखते रहेगा, आपको वही एक सिंगल ट्रेल फॉलो करते आने का है। यहाँ से दो रास्ता है, अपन इससे जाएंगे क्योंकि ये सीधा फूट की तरफ जाएगा। देखेंगे ना, आप ध्यान से देखते देखते आना, आपको ऐसा डायरेक्शन दिखेगा, देखो यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा किया जिसने भी किया भाई। अगर मैं वीडियो देखता रहेगा तो बहुत बहुत थैंक यू। तो यही फॉलो करते जाने अपने को, चलते हैं और ध्यान से चलना भाई। तो देखो फूट, टकमक फूट, वहाँ जाना है अपने को। हाँ क्या मज़ा आएगा आज। तो यहाँ पे आपको दो रास्ता दिखेगा, ये वाला और एक ये वाला, तो ऑलवेज फॉलो द करेक्ट वन, स्ट्रेट वाला। तो चलते हैं स्ट्रेट वाला पकड़ के हम भी चलना। यहाँ पे ऐसा सा मार्क बना है, देखो जिसने भी बनाया भाई बहुत बहुत थैंक यू,
नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसा करूँगा, अगर किसी ऑफ बीट ट्रैक जाता रहूँगा तो, जहाँ पे लोग कम आते हैं। यहाँ से थोड़ा पैचेस ऊपर है, अभी पैचेस उतने स्लिपरी नहीं है बिकॉज मैंने शूज़ भी वेयर किया है, बट थोड़ा बारिश होगी तो शायद पैचेस स्लिपरी हो जाएंगे। और वो स्ट्रीट इंक्लाइन एकदम, देखो आया खेड़ा, देखो कैसे पकड़ते, मेरे को नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, 45 मिनट चल के आ गए हैं और लिया वाटर ब्रेक। भाई दी पूरा डिहाइड्रेट हो गया है, अभी चलना बाकी है और कोई नहीं। मैंने सोचा कि यार कोई मिल जाएगा, बट भाई वहाँ से छोड़ के चले गए, उसको कुछ काम था और हम अकेले चलते जा रहे हैं, मैं और अंकित खाली। तो अच्छा भी लग रहा है, मेरी वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। और स्टार्टिंग का ही खाली प्रॉब्लम है, उसके बाद तो अगर स्टार्टिंग में आप देखोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा लोकेशन का प्रॉब्लम रहेगा, बाद में एक ही ट्रेल है, वही ट्रेल फॉलो करते चले आना है। बाकी कहीं यहाँ मारेगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, एक खूबसूरत सा वीडियो देखने के लिए, खूबसूरत सा लास्ट पिक सबमिट पॉइंट सबमिट करने से पहले। पैचेस काफ़ी इंक्लाइन है, काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन है। देखो चलो फिर फटाफट से चलते हैं, कुछ लोग मिल गए, थोड़ी बहुत बातें हो गई। हमको तो लगा कि हम अकेले निकल पड़े, लेकिन तीन लोग मिल गए, ऊपर भी शायद कोई मिल जाए। वो सांस ज़्यादा ही तेज अपन डाउन हो रही है। देखो स्ट्रेट इंक्लाइन है, देखो वहाँ पे मार्क बना हुआ है। बारिश ढेर घंटे के अंदर दूसरा वाटर ब्रेक, बस थोड़ा सा और बाकी है, ऑलमोस्ट आधा घंटे का क्लाइंबिंग और बाकी है, फिर हम सबमिट कर देंगे आखिरी पॉइंट जिसका नाम है टकमक फोर्ट। चलो भाई पानी पियो। हो रहा बादल में टकमक फोर्ट, हाँ यहाँ से याद उड़ नहीं अभी।
टॉप पे। तो वो देखो अपने साथ जो मिले थे अपने को, वो वहाँ पे है, दिखाता देखो, वो देखो रेड दिख रहा है। सो वहाँ देखो दो लोग शायद और आ रहे हैं कोई, तो पॉइंट है देखो पीछे मेरे, स्काई स्काई दिख रहा है पीछे मेरे। तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली इसको यूज़ किया जाता है वॉच टावर के रूप में। यहाँ से दूर दूर तक तो आप देख सकते हैं कि अपने शत्रु बोले तो एनिमी कहाँ पे हैं, अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो इसको वॉच टावर के लिए यूज़ किया जाता था अपने। देखो दो लोग और आ रहे हैं देखो, ए तो वहां से आपने व्यू देख ही लिया। अब देखो यहां से ये वाले पॉइंट से देखो, यहां से ऐसा रास्ता है, यहां से ऐसा 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 वहां पे गुफा है, वो गुफा दिख रही होगी। तो वो व्यू देखो भाई यहां से। सो हमको मिले थे ये लोग रास्ते में जो आ रहे हैं, हम ऊपर से घूम के आ गए, और ये थोड़े इनके हाथ में ओल्ड लोग भी हैं तो इसलिए लोग भी आ रहे हैं। और चलो फिर देखो आते आते रहते अपन मिलते कि नहीं। हाँ बैठता थोड़ी देर, तो नहीं मिले कम से कम 5-6 लोग और मिले जो जा रहे हैं। हम आम तो समेट करके आ गए, यहाँ बिछा लिया है पत्ती केले का और इसे बैठे हुए हैं। यहाँ निकालेंगे अपन अभी खजाना खाने वाला, निकाल दिखाता आपको मैं अभी खजाना। ये डोसा, दो प्लेट डोसा ले आए थे, चटनी लाल चटनी सांभर, ये रहा शानदार सा व्यू। आपको किसी की और की वीडियो देखी होगी वो बोलते रहेंगे कि हाँ ये इजी ट्रैकिंग है, तो भाई ये इजी नहीं है, मीडियम बोल सकते हो या हार्ड बोल सकते हो, लेकिन इजी नहीं है। क्योंकि 2 घंटे का ट्रैक, वो भी इंक्लाइन डिक्लाइन, कभी माउंटेन कभी पत्थर का स्टोन कभी कुछ कभी स्लिपरी, देखो इसकी आपने देख ही लिया। तो कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आप यहाँ पे कंपलसरी करना, जैसे कि 3 से 4 बॉटल पानी कंपलसरी लेके आना, बिकॉज 2-2.5 घंटे का ट्रैक है, कभी इंक्लाइन कभी डिक्लाइन कभी पत्थर का स्टीफ है, तो फिर जरूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई 2 से 3 बॉटल पानी, बड़ा बड़ा छोटा बड़ा नहीं, कम से कम 1 से 2 लीटर का पानी लेके आना जरूर, 3 बॉटल। और फिर कुछ खाने के लिए ले लेना, और उसको फेंकना मत यार, हम लोग जो खाए हैं हम लोग बैग में रखे हैं, और वहाँ जाके बाहर कहीं भी अच्छे डस्टबिन में आप कहीं भी फेंक देंगे, यहाँ पे नेचर ख़राब नहीं करने का। और काफ़ी मज़ा भी आया, 4-5 लोग से मिलने हुआ, आपने देखा ही वीडियो में, तो कैसी लगी वीडियो, आई होप सो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना। और पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, आप कभी भी आओगे तो आप आराम से मेरी वीडियो देख के आराम से आ सकते हो आप। तो सब्सक्राइब करो, अपने भेजो अपने दोस्तों को, प्लान करो ट्रिप प्लान करो, वो भी विरार में मुंबई के पास एकदम, तो बहुत बेस्ट है, काफ़ी मज़ा भी आया। हम दो थे लेकिन बहुत लोग मिल भी गए, एक्स्ट्रा 4-5 लोग कुछ टाइम तक मेरे साथ में चले, बाद में हमको लेट होने लगा, हम फटाफट चल के क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहे थे वो। तो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कोई ट्रैकिंग कोई वाटरफॉल की वीडियो में, तो बाय बाय, अलविदा, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड नॉट फॉरगेट टू एंजॉय लाइफ। बूम।